शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट हमारी शिवसेना की है, वो हमें मिली है। संजय निरुपम कांग्रेस से बात करें ना कि मीडिया में, उनके पास अगर विकल्प है तो उनको शुभकामनाएं। मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने सोशल मीडिया पर लिखा, सांगली और मुंबई के जिस लोकसभा सीट को लेकर गठबंधन में कुछ भी तय नहीं हुआ था, शिवसेना उद्धव गुट को वहां एक तरफा उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहिए था। हमने अपनी नाराजगी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जता दी है, उनके आदेश के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट की भी बैठक चल रही है। पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अपने घर पर ये बैठक बुलाई। मुंबई की उत्तर पश्चिमी सीट पर शिवसेना उम्मीदवार के विरोध में शरद गुट के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। संजय निरुपम ने अमोल पर कई आरोप लगाए। उन्होंने मीडिया से कहा कि कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकत की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वो खिचड़ी स्कैम का घोटालेबाज है। कोविड के समय बीएमसी ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में खिचड़ी उपलब्ध कराई थी। अब उत्तर पश्चिम सीट से अमोल के पिता गजानन कीर्तिकार सांसद हैं। वो सीएम एकनाथ शिंदे के गुट में 2019 में उन्होंने संजय निरुपम को 260,000 से अधिक वोटों से हराया था।